सही कह सकते हैं, अधिकारी बात नहीं सुनते हैं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन है रेड टेपिज्म तो कहीं ना कहीं है। और अफसरशाही या अफसरवादी रवैया है, और मैं इस बात सहमत हूँ कि हमारे कुछ नेताओं में भी अफसरवाद का जो जो लक्षण है वो भी है। इसलिए कुल मिला के डेमोक्रेसी का जो मैच्योरिटी है चुनाव के समय में, इलेक्शन ईयर में, कुछ बातें अब देखिए हम लोग इस पक्ष में हैं कि साहब जो जनता की बातें हैं इलेक्शन टाइम में उस बातों को लेकर के हम लोग जाएँ और जनता की बातों का निष्पादन हो इस इलेक्शन वर्ष में, ये प्रयास करते हैं। तो जो स्ट्राइकिंग ग्रुप है हम लोगों का, जो हमारे इस देश के इस राज्य के नागरिक का, उनकी बात कुछ हद तक सफल हो जाए और कुछ हद तक निष्पादन हो जाए, प्रयास मैं भी कर रहा हूँ अपने। सरकार का वही रवैया है, देखिए कोई भी मूवमेंट के दौरान में कई ऐसे होते हैं, हम लोग भी ट्रेड यूनियन में रहे हैं, तो बर्खास्त का इसका मतलब नहीं है, उस पर रिकन्सिलेशन हो जाएगा और जब भी निगोशिएशन पर लोग बैठेंगे उस पर बातचीत होगी, हम बातचीत होगी और उसका रास्ता निकाला जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि जो जिस समस्याओं से अभी सारा देश गुजर रहा है, देखिए नियोजित शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या आउटसोर्सिंग पे हैं, तो उन सबका एक उपाय, कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। हम लोग भी चिंतित इस बात के लिए हैं कि उस रास्ता निकले और ढंग से क्या हो सकता है, क्योंकि सीमाएँ हैं सर, किसी भी सरकार की अपनी सीमाएँ होती है। मुझे लगता है उन सीमाओं को देखते हुए जो फाइनेंस बिल में चर्चा हुआ है, कई लोगों ने उठाया भी इस मामले को है, इसलिए हम लोग खुद भी चिंतित इस बात के। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। सही कह सकते हैं, अधिकारी बात नहीं सुनते हैं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन है रेड टेपिज्म तो कहीं ना कहीं है। और अफसरशाही या अफसरवादी रवैया है, और मैं इस बात सहमत हूँ कि हमारे कुछ नेताओं में भी अफसरवाद का जो जो लक्षण है वो भी है। इसलिए कुल मिला के डेमोक्रेसी का जो मैच्योरिटी है चुनाव के समय में, इलेक्शन ईयर में, कुछ बातें अब देखिए हम लोग इस पक्ष में हैं कि साहब जो जनता की बातें हैं इलेक्शन टाइम में उस बातों को लेकर के हम लोग जाएँ और जनता की बातों का निष्पादन हो इस इलेक्शन वर्ष में, ये प्रयास करते हैं। तो जो स्ट्राइकिंग ग्रुप है हम लोगों का, जो हमारे इस देश के इस राज्य के नागरिक का, उनकी बात कुछ हद तक सफल हो जाए और कुछ हद तक निष्पादन हो जाए, प्रयास मैं भी कर रहा हूँ अपने। सरकार का वही रवैया है, देखिए कोई भी मूवमेंट के दौरान में कई ऐसे होते हैं, हम लोग भी ट्रेड यूनियन में रहे हैं, तो बर्खास्त का इसका मतलब नहीं है, उस पर रिकन्सिलेशन हो जाएगा और जब भी निगोशिएशन पर लोग बैठेंगे उस पर बातचीत होगी, हम बातचीत होगी और उसका रास्ता निकाला जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि जो जिस समस्याओं से अभी सारा देश गुजर रहा है, देखिए नियोजित शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या आउटसोर्सिंग पे हैं, तो उन सबका एक उपाय, कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। हम लोग भी चिंतित इस बात के लिए हैं